नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें बड़े मन से तल्लीनता के साथ तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप लोग द 10 मिनट शो तक आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट अभ्यर्थी प्रतिभागी इस 10 मिनट शो से जुड़ सके। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास होगी, प्रश्नों पोस्टमार्टम की क्लास, और 9 बजे का 10 मिनट शो होगा परीक्षाओं में 2 नंबर पक्के करने वाला। 10 मिनटों में 2 नंबर पक्के हो रहे हैं, मेरे हिसाब से ये अच्छा डील है। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए पुरस्कार सम्मान 2024 याद कर लो, 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, 10 मिनटों में पक्के होने वाले हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम इस सेशन को शुरू करेंगे। तो भाई जितने भी स्टूडेंट है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि अपने तृतीय संस्करण के रूप में 2024 में दिया गया, यह 2024 का पुरस्कार है, वो अमिताभ बच्चन को दिया गया और साथ ही साथ रणदीप हुड्डा को भी दिया गया। तो यह भी आपको याद रख लेना चाहिए, है ना। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का प्रथम संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, द्वितीय संस्करण उनकी ही बहन यानी कि आशा भोसले को दिया गया और तृतीय संस्करण के अंतर्गत अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया। ये तीनों ही बात याद कर सकते हो। किस मानवतावादी पुरस्कार की जो बात चल रही है वो किस मानवतावादी पुरस्कार, यह मिला है रतन टाटा को। किसको मिला है दोस्तों? रतन टाटा को मिला है, ये याद रख लेना। एबेल पुरस्कार जो कि गणित में दिया जाता है, गणित का नोबल पुरस्कार भी कहलाता है, मिशेल टेलाग्रांड को मिला है जो कि फ्रांस के हैं। किसको मिला है दोस्तों? मिशेल टेलाग्रांड को मिला है जो कि कहां से है? फ्रांस से हैं। ये भी आपको याद रख लेना है, एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबल भी कहा जाता है, स्टैटिक जीके में आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ूंगी दोस्तों, तो याद रखना आर्यभट्ट पुरस्कार के बारे में। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है पावुलुरी सुब्बा राव को मिला है, याद रख लेना पावुलुरी सुब्बा राव को यह पुरस्कार दिया गया है, आप इसको याद रख सकते हो। साथ ही साथ द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गायलोपो यानी कि भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये तो आपको याद ही होगा, हाल ही में ही घटित हुआ है, कोई ज्यादा पुराना बात नहीं है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है, आपको उम्मीद करती हूं कि याद होगा प्रभा वर्मा का नाम जो कि मलयालम भाषा के कवि रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024, इस 2024 का आयोजन कहां किया गया था? भारत में। दूसरी बार भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका यह पुरस्कार क्रिस्टीना को मिला, और क्रिस्टीना कहां से है? चेक गणराज्य से है। कमेंट डाउन बिलो, भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किस प्रतिभागी ने या किस सुंदरी ने हिस्सा लिया था। विश्व साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ममता सागर को यह पुरस्कार दिया गया, ममता सागर को यह पुरस्कार दिया गया विश्व लेखन संगठन के द्वारा, है ना। केपी नाम्बियार पुरस्कार जो दिया गया, याद रखना इसरो के प्रमुख कौन है, बोलो रे दोस्त, एस सोमनाथ को यह पुरस्कार मिला। चांद सितारे लगाना हो तो लगा लेना, बाकी मुझे लगता है 10 मिनट शो में की गई एक एक चर्चा आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ूंगी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्ति को, उर्दू लेखक गुलजार को और साथ ही साथ संस्कृत लेखक राम भद्राचार्य जी को यह पुरस्कार मिला है। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों ने इसको भी याद कर लिया होगा। दादा साहेब ई पुरस्कार, ई फिल्म पुरस्कार मतलब अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात चलती है तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला है वो आपको याद रख लेना है। तो दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया, तो अगर आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में आपको यहां पर मिलेंगे कौन, शाहरुख खान मिलेंगे, जिनको मिला है जवान मूवी के लिए। किसको मिला है? शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। कमेंट डाउन बिलो कि मुझे जल्दी से बताओ कि दादा साहेब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला हाल ही में, जल्दी मुझे बताना, है ना, ताकि मैं आपके उत्तर को देख सकूं। रमेन लॉलैंड पुस्तक पुरस्कार किसको मिला है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो पंकज कुमार चटर्जी को मिला है, ये भी आप लोग याद कर सकते हो। एक अच्छा प्रश्न है और यही प्रश्न है जो तय करते हैं कि हमारा सिलेक्शन होना है या नहीं होना। सामान्य प्रश्न सबसे बन जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वे उन्हीं से बनते हैं जो उन प्रश्नों के लिए मेहनत करते हैं। इस बात को आप
आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसके आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार तक तो याद हो ही गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो याद रखना दोस्तों नोवाक जोकोविच, आप लोग मुझे बताना नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, कमेंट डाउन बिलो नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं जरूर बताना। साथ ही साथ मेलकम आदेशीसिया पुरस्कार सुरेंद्र जोधका को मिला है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, सुरेंद्र जोधका को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखोगे कि भूल जाओगे, कमेंट डाउन बिलो। हाँ, अगर यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो जरूर लाइक जरूर कर देना, शेयर करने की इच्छा हो अपने दोस्तों के बीच में तो जरूर शेयर कर देना। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को याद रख लेना, डॉक्टर आर रवि कन्नन का नाम आपको याद रख लेना चाहिए, याद रख लेना। ऑंकोलॉजिस्ट है, भारत के हैं। बुकर पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना चाहिए पॉल लिंच का नाम। कमेंट डाउन बिलो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर, मेन बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में क्या अंतर है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आठवां वेलेंडी और पुरस्कार किसको मिला है, चांद सितारे लगा लेना, और लियोन मेसी का नाम जरूर याद रख लेना, मेसी फुटबॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब शैनिस को मिला है, यह भी आपको याद रख लेना चाहिए, शैनिस को मिला है मिस यूनिवर्स, है ना। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार किसको मिला है तो रुई जियांग झांग को मिला है, यह भी याद रख लेना, कमेंट डाउन बिलो कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या रामानुजन का नाम आपने पहले कभी सुना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी को मिला है, इसको भी याद रख सकते हो आप, जॉर्जी का नाम गोस्पोडिनोव को मिला है, पूरा नाम याद रखना हो तो गोस्पोडिनोव पूरा नाम आप याद रख सकते हो, भला ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ूंगी दोस्तों, तो इतने पुरस्कार आपको सम्मान के रूप में सब कुछ याद रखना होगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं मैंने कितने पढ़ा दिए, मुझे लगता है 20 से ज्यादा तो पढ़ा ही दिए होंगे और उससे ज्यादा आपको याद हो गए होंगे, तो इन पुरस्कारों के बारे में जितनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक और बचा है, इसको और पढ़ लेते हैं। जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिला है, ये भी याद रख लेना, सलमान रुश्दी का नाम। ठीक है, तो बताइए जरा आज का 10 मिनट शो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका प्रोत्साहन और अधिक मेहनत करने को प्रेरित करेगा। और जितने क्वेश्चंस मैंने इस 10 मिनट शो के बीच में पूछे उन सब में जरूर जरूर मुझे उत्तर दे देना। ये जो 10 मिनट शो है वो रोज सुबह 9 बजे विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, तो आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हो। सुबह 8 बजे हम करंट अफेयर्स प्रश्नों का पोस्टमार्टम तो ऑलरेडी करते ही करते हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह 8 बजे और कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद।